outshoot system. ऑफ प्लांट शूट सिस्टम जो है बेटा वो एरियल पार्ट होता है, एरियल मतलब जो हवा में होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर आपकी आएंगे स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये चीजें आती हैं। और ये किसके अंदर से डेवलप होता है, जैसे जब सीड हमने मिट्टी में डाला, ये हमारी मिट्टी की सरफेस है, तो ये तो रेडिकल होता है, जो ये ऊपर जाता है प्लूमल, इसको हम बोलते हैं प्लूमल। प्लूमल जो पार्ट है उससे हमें हमारा क्या बनेगा, शूट बनेगा, जो सीड का बेबी, बेबी जो प्लूमल है वो क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। जो बेबी शूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूमल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लूमल की बात करते हैं, तो यहाँ क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में देखो मैं बताती हूँ अभी आपको। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टेम की बात करते हैं, तना। तना क्या होता है, तना जो है बेटा वो मेन एक्सिस होता है, जो हमारा प्लांट होता है उसका मेन एक्सिस जो है, ये जैसे रूट्स थी नीचे, उसके बाद में इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेम, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर ऊपर जो चीजें लगेंगी वो शूट सिस्टम कहलाएगा पूरा पार्ट। अभी स्टेम की बात कर रहे थे, स्टेम ग्रीन कलर का होता है, स्टेम ग्रीन किस में होगा, हर्ब्स के अंदर, जो हर्ब होते हैं ना छोटे पौधे उनमें ग्रीन होगा। और अगर हम इसको शर्ब और ट्रीज के बारे में बात करें तो उसमें वुडी और हार्ड होगा, शर्ब्स में और ट्रीज में। और जो ट्री है उसके अंदर हम इसको ट्रंक भी कहते हैं, ट्रंक, इसका नाम ट्रंक कहलाता है, किसके अंदर, ट्रीज में, जो बड़े पेड़ होते हैं उसमें, ट्री में इसको ट्रंक कहते हैं। और ये जिससे कवर होता है, इसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग होती है ना इसकी जो, उसको हम बार्क बोलते हैं, छाल जो होती है इसके बाहर की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक स्टेम जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, ग्रो टुवर्ड्स लाइट। एंड अवे फ्रॉम सोइल एंड वाटर, पानी से और हवा से, पानी से और उससे मिट्टी से तो दूर होता है और लाइट की तरफ ग्रो करता है। दूसरी बात करते हैं इसके अंदर, सेकंड, इसमें नोड और इंटरनोड्स मिलते हैं आपको, नोड्स भी मिलते हैं एंड इंटरनोड्स भी मिलते हैं। नोड और इंटरनोड की मैंने बात बताई थी, जैसे इस तरीके से बढ़ेगा तो ये जो पार्ट है इसको हमने नोड्स का, और दो जो नोड होते हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये नोड है और एक ये नोड है, इसके बीच का जो ये पार्ट है इसको हम इंटरनोड कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर थर्ड बात करते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, इट बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑल्सो। इसके ऊपर आपको क्या क्या मिलेंगी, ऊपर जब ये फैलेगा तो इसके ऊपर आपको क्या क्या मिलेंगे, जैसे आपको लीव्स मिलेंगी, दोबारा ड्रॉ कर देंगे आगे पेज के ऊपर, इसके अंदर क्या क्या मिलेंगी, लीव्स, ठीक है। और लीव्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा इसके ऊपर, बर्ड। इसके अलावा आपको इसके ऊपर क्या मिलेंगे, फ्लावर, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर आपको क्या मिलेंगी, फ्लावर के अलावा अगर हम बात करेंगे, ब्रांचेस, ठीक है, और फ्लावर्स, और ये फ्रूट्स। फ्रूट्स भी इसके ऊपर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर ऑक्सिलरी बर्ड्स जो है वो नई ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऑक्सिलरी बर्ड्स जो है गिव राइज टू न्यू ब्रांचेस, नई टहनियों में बदल जाएंगी। जो बर्ड्स होती हैं ना, जैसे ये बनती हैं, तो ये आगे जाके नई टहनियां भी बना सकती हैं, या फ्लावर भी, जो भी
ठीक है, और यंग जो स्ट्रीम्स हैं वो ग्रीन मिलेंगे, तन जो यंग स्टेम्स हैं कच्चे जो होते हैं ना वो तने कैसे मिलेंगे, ग्रीन मिलेंगे, और जो ओल्डर स्टेम्स हैं वो आपको वुडी मिलेंगे एंड नॉन ग्रीन होंगे और हार्ड होंगे। एक और सिस्टम स्टीम, जो स्टेम है आपका वो रूट को कनेक्ट करेगा रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम कनेक्ट रूट्स सिस्टम, स्टेम से ही देखो ये रूट्स जुड़ी हुई होती हैं हमारी, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे का जो दूसरा हिस्सा होता है वो भी किससे जुड़ा होता है, इसी से जुड़ा होता है। इसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन बेटा मेनली ये क्या करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एक तो करता है बेटा सपोर्ट करने का काम, और सेकंडली थिंग होती है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड फूड। फर्स्ट बताया सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है जो तना होता है वो ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट्स को सपोर्ट करता है, प्लस में जो लीव्स होती है उनको फैलाने में भी मदद करता है, स्प्रेड आउट लीव्स, लीव्स होती है उनको फैलाने में मदद करता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट वो सभी इसी के ऊपर आते हैं तो उनको सपोर्ट करता है, और साथ में ये सनलाइट को लेने में भी मदद करता है, गेट सनलाइट इसी से मिलती है सपोर्ट की वजह से ही। सेकंड चीज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, ये क्या करता है स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को और फूड को, कहाँ से, रूट से, तो ले जो रूट्स तक देगा और अलग अलग पार्ट्स तक भी। लीव्स ने जो फूड बनाया, लीव हमारी फूड फैक्ट्री कहलाती है, इसने जो फूड बनाया उस फूड को ये क्या करेगा, अदर पार्ट्स और रूट्स को देगा, किसको देगा, अदर पार्ट एंड रूट तक इनको ट्रांसफर करेगा, किसको, फूड को, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर हम एक एक्टिविटी बताते हैं कि भाई कैसे फूड ट्रांसपोर्ट करता है। आप क्या लोगे, एक ग्लास जार लो, इसके अंदर रेड इंक डाल दो, पानी डाल के, और इसमें क्या डाल दो, रेड इंक, रेड इंक और प्लस वाटर डाल दिया। आप एक फूल ले लो और फूल की टहनी कट कर दो जिसके ऊपर दो चार पत्तियां उगी हुई हो, इस तरीके का प्लांट ले लो, और जिसके ऊपर फ्लावर हो, ठीक है। आप क्या देखोगे, रेड इंक की वजह से ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इसने वाटर था, जो रूट्स ने वाटर ऊपर दिया वो कंडक्शन आगे ले जाने का काम तो स्टेम ही करता है ना, ठीक है। तो तने की वजह से ये क्या हो गया, इनका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो तना है तो वो सपोर्ट करता है हमारे पौधे को, और दूसरा वो वाटर और फूड को कंडक्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक इतना ही था।